shah sure, give it up ladies and gentlemen the creative director and producer of the film buster the Naxal story sir warm welcome and and this trailer definitely has given us chills down the spine what a fantastic trailer let's meet the man who's brought this story and its essence to life with his directorial brilliance the captain of the ship the director of blockbuster जब केरला स्टोरी जब बन के तैयार था और पहले बार आप लोगों के सामने हम आए और अगले दिन जो रिपोर्ट्स आए न्यूज पेपर में बहुत डिप्रेसिंग था हमें लगा था कि शायद हमने सही डिसीजन नहीं लिया एक हमें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ एक साजिश जो रचा गया था उसको एक्सपोज करने के बाद हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा लेकिन पहले दो दिन इतना ज़्यादा ल्यू कोम सा रिस्पॉन्सेस था लेकिन जब आप लोगों ने सब फिल्म देखे और उसके बाद जिस तरह सपोर्ट आप लोगों को मिलता गया भारत की हर कोने में हम गए मतलब मैं आप लोगों को अगर वो एक्सपीरियंसेस बताते जाऊं तो मुझे ये आज पूरे समय इसमें लग जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने लोगों की लोगों के अंदर मैडनेस देखा लोगों के अंदर एक रॉ इमोशन देखा मतलब और और, और ये मालूम है कि ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना आप लोग अगर हमारी फ़िल्म के बारे में नहीं लिखते नहीं अच्छे बातें करते तो केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल नहीं होता अब आए बस्तार जब केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल हुआ और विपुल जी के साथ जब हम एक साथ दो तीन फिल्म बनाने के लिए एक प्लान कर रहे थे तो हमें इमीडिएटली लगा कि बस्तर की यह सही कहानी बताना चाहिए आप सब जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं बस्तर के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं मुझे डाउट है कि आप लोग बस्तर जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की साधारण पार्ट की छः सात डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक, एक रिजियन है जिसको बस्तर बोला जाता है और वहाँ पे कुछ नक्सलवादियों की प्रॉब्लम है माओइस्टों का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पिछले पचास साल से चल रहा है इसके बारे में कभी कभी आप लोगों की आ, कलम में वो बाहर आए जब बड़े बड़े घटना घटे जब टाटमेटला में जो छिहत्तर जवानों को मार दिया गया था या रानी बदली में जब बावन जवानों को मार दिया गया था जब हमारे गढ़चिरौली में बावन जवानों को पैंतीस जवानों को मार दिया गया था ये सारे खबर आप लोगों ने बहुत बारीकी से छापे लेकिन दुख की बात ये है कि पिछले पचपन साल में हर दिन हर मोमेंट में बस्तर की लोग आम जनता गरीब लोग ट्राइबल्स एक दहशत की जिंदगी जी रहे हैं और जिसके नतीजे कि पिछले 10-12 साल में 12 पंद्रह हजार लोगों की मौत हुई है और जिसमें बहुत संख्या में हमारी देश की सिपाही थे तो ये कहानी मैं बहुत दिन से मेरा बचपन से ही इस कहानी को मैं फॉलो करते आया आ, आ, आप समझ गए आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड बंगाल है और ये मूवमेंट की आइडियोलॉजी सबसे पहले हमारे देश में बंगाल में आया था तो मैं बारीकी से इस आंदोलन को फॉलो करता गया और जब पूरे दुनिया इंडिया से इसको छोटे होते होते सेंट्रल इंडिया की बस्तर को सें, सेंटर करके ये फैलता गया तब जाके मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे फिल्म बनाना चाहिए इसलिए कि ये जो साजिश बस्तर की अंदर एक देश की सबसे बड़े साजिशों में एक साजिश रचा गया जिसके लिए 50 से पचपन हज़ार लोग पिछले 55 साल में जान दिए बंगाल से लेकर केरला तक इसकी कहानी बोलने का सही समय आया तो मेरी मेरे सारे बातों पे जो भी आप लोगों को जानना है आप ट्रेलर देखे सॉन्ग रिलीज़ के बाद जो भी सवाल है आप कर करते रहिएगा हम उसके जवाब देंगे लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं केरल स्टोरी हमारे लिए कोई पॉलिटिकल एफर्ट नहीं था हम पूरे फिल्म में एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था एक, एक, एक आ, 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 मेनिपुलेटिव कन्वर्शन के बारे में डिस्कस किया था जिसकी तीन लड़की की कहानी के ज़रिए हमने हज़ारों लाखों लड़कियों की कहानी बोलने की कोशिश की वो तीन लड़की में एक लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है एक लड़की जो खुदकुशी की थी उसकी माँ बाप आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है एक लड़की जिसके साथ बार बार रेप हुई है वो लड़की भी आज जस्टिस के लिए वेट कर रहा है जो फिल्म की एंड में आके ये तीनों लड़की कैमरा के सामने हमारी कैमरा के सामने बोलते हैं तो ये एक इंसानियत की जर्नी था हमारे लिए ये केरल की कहानी बोलना एग्जैक्टली सेम हुए बस्तार में हम उन लाखों लोगों की कहानी बोलने की कोशिश की जिनमें से कुछ आवाज़ आज आप सुनेंगे जो आए हैं बस बस्तार की गांव से दो दिन तीन दिन जर्नी करके वो लोग पहुंचे हैं उनमें से ज़्यादातर आज पहले बार हवाई जहाज़ में चढ़े हैं ऐसे लोगों के सामने उनकी फैमिली की कोई ना कोई जान दिए हैं इस इस देहशात इस में इस 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 वायलेंस में तो आज की स्टार वो लोग हैं

अभी मैंने किया है तो आप प्लीज़ जाके देखो अफकोर्स uh, मैंने जो पहले हॉरर मूवी किया था वो फिक्शनल um, था ये रियल लाइफ पे है एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि ट्रेलर देखने के बाद सबको अच्छा लगा पर बहुत सारे लोग बोले इतनी डरावनी फिल्म आप क्यों कर रहे हो कैसे कोई देखेगा एंड डरावनी है एंड डरावनी होनी चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे छिहत्तर जवान जिनको मारा गया था तो वो एज अ लाइन ऑलरेडी डरावनी है तो अगर आप फिल्म में ट्रांसलेट कर रहे हो तो बड़ा मुझे विश्वास है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल के स्ट्रॉग हैं एंड आप ही वो हो जो उन तक लेके जा सकते हो जैसे सर ने कहा कि केरला स्टोरी भी हम लोग एक्चुअली जब बना रहे थे जब सर से पहली मीटिंग हुई थी ही सेड दैट वे मेक ए स्मॉल फेस्टिवल फिल्म एंड इट्स अ स्मॉल इंटरमेट फेस्टिवल फिल्म जो शायद कुछ फेस्टिवल्स में रिलीज़ होगी हम लोग ने सब पूरी जान लगा के एक्टिंग करी थी, थी तब बट आई एम वेरी हैप्पी टू से आप लोग ने इतना बड़ा बना दिया uh, भारत के सभी ने इतना बड़ा बना दिया एंड विद बस्तर आई रिमेम्बर केरला स्टोरी का पहला दिन आई वॉज देयर एक रूम में हमारा शूट था वो जेल का सीक्वेंस एंड uh, मेरे सामने तीन लोग थे बस्तर में मैं पहले दिन गई एंड 150 एक्टर्स थे सेट पे तो wow. uh, या तो सब नहीं आ पाए ऑफ कोर्स वी वन फिट ऑन द स्टेज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल दी एक्टर्स हुआ आर नॉट प्रेजेंट है बहुत सारे बहुत टैलेंटेड uh, लोग हैं हमारे फिल्म में तो आई रियली होप कि आप लोग uh, फिल्म देखें और सपोर्ट uh, करें और आई हैव टू से बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू ट्रेलर देखने के बाद मीडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी एंड आप लोग ही वो uh, जरिया हो जो हम एक्टर्स को या हम मूवी हमारी मूवी आप लेके जा सकते हो ऑडियंस तक तो आपका ओपिनियन एक्चुअली वो लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है आपके ओपिनियन से तो आई नो दैट यू गाइज विल रियली टेक दिस टू द राइट प्लेस थैंक यू वार्म वेलकम इंदिरा एंड वट वट रियलीवरीबडी वॉन्ट्स व्यली इंस्पायर्ड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्टोरी सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए और um, जो बात आपने मुझसे पूछी जब मुझे बस्तर के लिए बात की गई मुझे बुलाया गया और मैंने सुना बस्तर पे फिल्म बन रही है तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि मैंने जब चीज़ें सुनी मैंने जब चीज़ें पढ़ी मेरा सबसे पहला ऐसा बोलते हैं ना आपका मन हो जाता है मतलब मैं तो अगर मैं भोपाल में जन्मी हूँ और मुझे मेरे ही हक नहीं मिले मैं किससे जाकर बोलूँगी पहले अपने परिवार से फिर अपने लोगों से क्या करूँगी ज़िद करूँगी कोशिश करूँगी लड़ूँगी नहीं होगा तो क्या होगा हेल्पलेस फील होगा मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग जो बस्तर में रहते हैं उन लोगों को उन्हीं के हक नहीं मिल रहे हैं एक एक आम जिंदगी जीने की जद्दोजहद में वो लोग क्या क्या मतलब फेस कर रहे हैं कितने पेन से होकर गुजर रहे हैं और एज पर्सन एज एन आर्टिस्ट मुझे इन सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं थी तो जब बस्तर की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तब मुझे अंदर से लगा कि अगर मैं ये बात का हिस्सा नहीं बन पाई अगर मैंने ये बात आगे बढ़कर नहीं कही कलाकार होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने कला से अपने आर्ट से आगे बढ़कर कुछ चीज़ सोसाइटी में दे सकूँ तो बस्तर वो चीज़ थी जो मेरे अंदर से ऐसे पहला इंस्टिंगट आया कि नहीं यार ये करना है कई माओं की कहानियाँ बतानी है बस्तर में क्या हो रहा है वो बताना है और कैसे बता सकते हैं इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता क्योंकि आपको बोलते हैं ना सच बोलने के लिए आप दो बातें सच कहते हैं कोई ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते right. तो हर चीज़ में मिलावट होने लगी है पुराना जमाना जा चुका है पहले चीज़ें बहुत प्योरिटी से मिलती थी अब नहीं मिलती हैं तो अगर इतने बड़ी चीज़ का हिस्सा आप बन सके तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है फर्स्टली थैंक यू फॉर पब्लिकली एक्नोलग माय वर्क थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग इट एंड यस इट इज़ अ वन डिग्री शिफ्ट नीदर एम आई the bad dancer I was in, Sunflower. Neither am I Nija Madhavan. Nija Madhavan though is someone who is so aspirational, is someone who I think every girl who'll watch this movie will feel that she would want to be her. Uh, the strength that she shows in situations, uh, I, I wouldn't mind even being one-fourth of her because the strength that she shows in situations uh, uh, that are so emotional, like you saw the 76 Jawans uh, उनको जब मारा था एंड आई मीन शी सॉ इट बट शी हेल्ड हर इमोशनल स्ट्रेंथ एंड शी डिन ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरी वन सो दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई एम इन रियल लाइफ ऑल्सो इन रियल लाइफ आई आई थिंक आई एम क्वाइट इमोशनल दो आई ट्राई टू होल्ड एंड माई इमोशंस एंड नॉट शो दैम बट नथिंग क्लोज टू हर स्ट्रेंथ दिस हीरोइक कैरेक्टर मैं एक्चुअली मिली थी सी आर पी एफ लड़कियों से एंड वो लड़कियाँ अगर आप मिलोगे उनसे इतनी स्ट्रॉग है उनके आइज़ में ना एक फियरलेसनेस है डर बिल्कुल नहीं है यू कैन यू कैन जस्ट सी इट वेन यू लुकन टू देर आइज एक लड़की थी जो सेवन मंथ्स प्रेगनेंट थी एंड उन्होंने बताया नहीं था बिकॉज वो अपनी ड्यूटी से इतनी कनेक्टेड थी कि शी वॉन्ट टू डू इट टिल द डे दैट शी कुड पॉसिबली बी देर फिर एक बार नदी पार करना था उसको शूले सेस बांधने थे तो दैट्स वन पीपल फाउंड आउट दैट शी इज़ प्रेगनेंट दीज गर्ल्स गो थ्रू आई मीन यहाँ पे हमारे रियल लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है एंड वी फील माई गो दर्ल्ड इज़ कम टू एन एंड बट यहाँ पे वॉट दीज गर्ल्स गो थ्रू इज़ यू कैंट इविन इमेजन वो अपने बैग्स पे बैक बैक पैक में कुछ आठ दस किलो का वजन होता है और फूड बिकॉज़ यू डोंट नो कितने टाइम के लिए आप जंगल में रहने वाले हो uh, तो इंस्टेंट नूडल्स uh, बिस्किट्स वो सब बिकॉज जो पेड़ है वहाँ पे वो नक्सली लोग वो पेड़ को भी पॉइजन करते हैं ताकि अगर डेस्प्रेशन में कुछ बहुत भूख लगी है दो दिन से कुछ खाया नहीं और कोई फ्रूट आपने लेके आप खा लिए तो आप वो फ्रूट से मर जाओ लीव्स के नीचे बॉम्ब्स लगे हैं कि वो एक्सप्लोर हो ताकि आपके पैर वो उजड़ जाए आ, तो हर जगह से यू पास थ्रू अ रिवर आप पुले पूरे भीग चुके हो सपोज़ रेनी सीजन में है पर आपको चुपचाप वहाँ रहना है एक लड़की मुझे बता रही थी कि नोज़ रिंग और ईयर भी नहीं पहन सकते बिकॉज जब भी हम कैरेक्टर का लुक डिज़ाइन uh, कर रहे थे तो वीवा सिंह शायद एक शीशद नहीं नहीं क्योंकि जब भी मून लाइट रहता है वहाँ पे तो वो मून लाइट उनके इयर या नोज़ रिंग पे रिफ़्लेक्ट होगा और फिर uh, वो नक्सली लोग कहीं पे भी छुपे हो सकते हैं और अगर उन्होंने देखा तो वो मार देंगे तो शीशत कोई भी ऐसे रिफ्लेक्टिव चीज़ मत रखो तो इवन द वॉच uh, सो दीप्तो सर नपुल सर सर इतने डिटेल में जाएँगे तो इवन माई वॉच डजन हैव एनी रिफ्लेक्टिव सर्फिस इफ़ यू सी सो वी वर्क ट लॉट ऑन द कैरेक्टर बट अ गैन आई कॉन्ट आई मीन नथिंग टू वॉट दीज गर्ल्स डू इन रियल लाइफ आईव ट्राइड एज एन एक्टर मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है तो जितना मैं एज एन एक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ एंड ऐसी फिल्म में थैंक यू विपुल सर सुदीप तो सर फॉर टेकिंग मी एंड मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस मेकिंग मी पार्ट ऑफ ऑल द स्टोरीज एंड फॉर मी अ फिल्म जैसे मैंने केरला स्टोरी में भी कहा था द फिल्म इज अ सक्सेस वन द पीपल फर्स्ट इज़ अ सक्सेस वन द पीपल हु आर यू you नो know, जो जुड़े हुए हैं जैसे आई वुड वेट फॉर देर रिव्यूज़ एंड आई वुड रियली वॉन्ट टू नो आप लोगों को क्या लगा फिल्म देख के हैवी डन जस्टिस टू इट एंड अगर वो हुआ है दैन आई थिंक हम लोग सफल है बट एज एन एक्टर दैट लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आई कैन डू फॉर माई कंट्री आई फील इन फिल्म लाइक दिस पंकज जी एक्शन की ट्रेनिंग तो आई थिंक हर चीज़ में काम आती है बिकॉज एक्शन की ट्रेनिंग आपको फोकस uh, और डेडिकेशन में ट्रेन करती है तो इवन अगर आपको कोई कैरेक्टर प्ले करना है जिसमें शायद डांस हो या कुछ और हो या वो भी नहीं हो पर आपका फोकस वो ट्रेन करता है जैसे मार्शल आर्ट फॉर्म जैसे सिलम्बम क्योंकि अगर आप सिलम्बम कर रहे हो तो आप आ, को इतना फोकस्ड होना चाहिए कि वो आ, लकड़ी आपके सर पे नहीं लगे तो आई थिंक एक्शन की ट्रेनिंग यहाँ पर बस्तर में जो एक्शन है वो बहुत अलग किस्म का एक्शन है लाइक जैसे मैंने कमांडो में किया था एक्शन वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है और वहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ जैसे सुपर हीरो ऑलमोस्ट वैसे है फिक्शनल वर्ल्ड में है तो वो मज़ेदार पंच लाइन्स आएंगे और कोरियोग्राफ्ड एक्शन लाइक वो वन टू थ्री फोर पंच किक डक ये वो सब है इसमें जो गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं सुदीप तो सर चाहते थे कि बहुत रियलिस्टिक लगे तो छः आठ किलो के गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं मेरा बैग अभी तक ठीक नहीं हुआ है और मैं अभी चप्पल ही पहन रही हूँ इफ़ यू नोटिस मैं कोई भी इवेंट में भी जाती हूँ और खूबसूरत लहंगा भी पहन रही हूँ मेरे नीचे में सिर्फ चप्पल मैं हील ही नहीं पहन पा रही हूँ बिकॉज इंसिस्टेड कि रियल लगना चाहिए और वो स्ट्रांग लगनी चाहिए आई हैड टू पुट ऑन वेट दस किलो वजन मैंने बढ़ाया बट वी था कि हेल्दी तरीके से बढ़ाए बिकॉज uh, जो लड़कियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग है इट्स नॉट कि अनफिट है बहुत ही फिट है पर ऐसे जंगल में अगर आपको दो तीन दिन में रहना है और शायद खाना नहीं मिलेगा यू हैव टू बी स्ट्रॉग इनफ टू बी एबल टू कॉम्बैट दैट दिख भी रहे थैंक यू सर तो केले खाए अलसी के लड्डू खाए और आ, हाँ वेट ट्रेनिंग भी की मैंने ताकि मैं थोड़ी दुबली पतली नहीं लगूँ रियल लाइफ कैरेक्टर से कोई इंस्पिरेशन रियल लाइफ एक्चुअली बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स को लेके बनाया है mm -hmm. सुदीप तो सर डिटेल में बताएंगे कितने परसेंटेज कौन से कैरेक्टर से लेकिन मेरा लुक एक जन से है आ, मेरी जो इमोशन है वो एक्चुअली बहुत सारी लड़कियों से है एंड mm -hmm. जैसे आप कह रहे थे आ, Uh, कल्लूरी जी से मैं मैं उनकी वीडियोस भी मैंने देखा है और कितना बोल्डली वो बात करते हैं एंड uh, हाँ मैं बहुत इजीली एनी एनी वे इंस्पायर होती हूँ तो इन सब कैरेक्टर से कुछ ट्रेड्स मैं बहुत सारे आईजी से भी मिली और उनके ऑफिसज़ में भी मैंने देखा वो कैसे बात करते हैं बिकॉज अगेन सर को नहीं चाहिए था इसे रियल लाइफ में आप बहुत पोलाइट हो तो मुझे वो नहीं चाहिए आप कमांड दे रहे हो किसी को तो वो पोलाइटनेस लाइक आई बी लाइक प्लीज़ पंकज जी आप यहाँ वैसे मेरा रियल लाइफ है बट इफ आई हैव टू से पंकज अप लेफ्ट यहाँ से जाइए तो वो सब ही पुट मी इन टू ट्रेनिंग क्लासेस की वॉइस मॉड्यूलेशन और डिक्शन बट वो आई थिंक एज एन एक्टर मेरा जॉब है मेरा फर्ज़ है करना जितना कन्विंसिंगली हो थैंक यू आपको इसमें ही अच्छा लगा तो फिल्म में तो मतलब मैं रुकी ही हूँ अब आप देखो थैंक यू सो मच पहले तो तहे दिल से शुक्रिया दूसरी बात जो प्रश्न आपने मुझसे किया पहले प्रश्न पे तो कि एन एस के तीन साल से पहले मैं 2001 से भोपाल में थिएटर ही करती आई हूँ मैं बचपन से थिएटर किया है तो आप हर चीज़ सीखते हैं कुछ चीज़ें उसमें से लेते हैं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं मैं जब से फिल्मों में काम कर रही हूँ जब से मैंने शुरुआत किया मैंने किरदारों को जाना थिएटर में जितनी एक्सरसाइज होती थी जितनी चीज़ें होती थी वो एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस होता है ट्वेंटी फोर आप कोशिश करते हैं क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा जब फिल्म की स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है तो जैसे मैं पढ़ती हूँ मैं पढ़ते समय कोई चीज़ तय नहीं करती मैं हमेशा उसका जो मेन इमोशन है उससे जाने की कोशिश करती हूँ हर फिल्म एक दूसरे से अलग होती है बस्तर मेरे लिए बहुत ही अलग थी क्योंकि जब मैंने पढ़ा मैं सबसे पहले तो हाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ सबसे पहली बात बस्तर वनवासी जंगल एक ऐसी जगह जो सभी के लिए है दुनिया में नेचर ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सबके लिए बनाई है जो सब लोग जहाँ पैदा हो रहे हैं सबके सबके अपने राइट्स हैं सबकी अपनी चीज़ें हैं और उनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए हर आदमी हर एक दिन ग्रो करता है तो वो ग्रोथ कोई किसी से कैसे छीन सकता है चीज़ें कैसे हो सकती हैं फिर जब रत्ना पे आई कि रत्ना वहाँ की माएँ वहाँ के लोग किस तरीके से क्या हो रहा है ज़िंदगी में तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है और कुछ चीज़ों को आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है मैंने जब तय किया कि मैं जो टेक्निकल चीज़ें वो तो आएंगी उसको तो करना ही है पर कुछ चीज़ों को छोड़ के रत्ना की तरह सोचना पड़ेगा अगर मकसद क्लियर रहे कि क्या करना है मेरा मकसद था मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी थी मुझे मेरा परिवार जो खोया उसके लिए अपनी बात करनी थी और आगे बढ़ना था मैंने वो एक सिंपल मकसद लेकर चली हूँ और उसके इर्द गिर्द मुझे अगर सर ने बोला कूद जाओ आ गए कूद जाओ तो मैं कूद गई मुझे बोला रस्सी पे चलना है चल जाओ मैं चल गई मैं कैसे कर पाई मुझे नहीं पता मैं खुद हर दिन शूट पर इतना सरप्राइज होती थी कि सच में इंदिरा शायद इंदिरा को बोलोगे नहीं कर पाएगी पर जैसे ही मैं कपड़े पहन के तैयार होकर अपनी चीज़ों में जैसे ही जा रही हूँ वो कुछ एक कुछ एक अलग शक्ति आ गई जैसे वो बोलते हैं ना कुछ अलग ही हो रहा था और अपने आप को पूरी तरीके से सौंप देना जो होता है ना कि फिर आप सोचते नहीं हो आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और आप अपने आप को पूरे तरीके से झोंक देते हो जैसे कि मैं इन लोगों को देख रही हूँ मैंने जब जो मेरी मदद के लिए ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल थी जिन मैम से मैंने बातचीत करी जो मुझे हर प्रश्न का जवाब देती थी उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला था उन्होंने कहा था कि ये सब लोग इतना एक्सेप्टेंस का लेवल पार हो चुका है इतना पेन पार हो चुका है कि वो जब अपनी बात कह रहे हैं ना तो ऐसे कह रहे हैं जैसे खाना खा रहे हैं अपने जीवन में चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना कि यही हुआ है और आने वाले दिनों में यही होने वाला है मैं ऐसे हो गई ना कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई जब हम इसे रिक्रिएट करेंगे जब हम इसे पोर्ट्री करेंगे और अगर मैं इमोशनल हो रही हूँ पर मैंने उनको देखा है वो लोग कैसे बात कर रहे हैं तो मैं अपने परफॉर्मेंस में अपने काम में इतनी सच्चाई रखनी पड़ेगी कि जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं और अपनी कहानी बता रहे हैं वैसे ही मैं भी रत्ना की कहानी उतनी ही शिद्दत से उतनी ईमानदारी से बता पाऊँ कि मैं कहूँ ना और आपको फील हो जाना चाहिए माँ का किरदार निभाना कितना मुश्किल था माँ <laughs> तो मे, मेरी माँ सिंगल पेरेंट है मेरे फादर को मैंने कभी देखा नहीं तो एक तरीके से जिस तकलीफ़ से जैसे इनको तो ये लोग अपनी बता रहे हैं कहानी बता रहे हैं मैं सुना उनको कि किसी के साथ ऐसा हुआ किसी के परिवार में हुआ किसी के फादर को खत्म कर दिया किसी को कुछ मैं एक तरीके से अपने आप को उनका हिस्सा ही समझ के चल रही थी क्योंकि मैंने अपने फादर को कभी देखा नहीं मुझे पता नहीं और मैंने अपनी माँ को हमेशा देखा है और मैंने देखा है कि जिस तरीके से जिन चीज़ों से होते हुए सोसाइटी में वो इतना अपना सर ऊँचा रख के खड़ा रखी है हमेशा उन्होंने हर सोसाइटी से ऑपोजिट जाके जैसे माँ क्या बोलती है काम करो चीज़ें करो शादी करो घर चले जाओ फैमिली तो यही होती है ना परिवार बनाना तो हर एक औरत का सपना होता है जब आप, आप कंसीव करते हैं ना जब आप बच्चा पैदा करने वाले होते हैं आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है मेरा बच्चा या बच्ची बड़े होके क्या करेगी देश के लिए क्या करेगी है ना हम तो यही सोचते जो हम नहीं कर पाए वो हम हमारे बच्चों से चाहते हैं जो जो चीज़ें मेरी माँ नहीं कर पाई वो हमेशा बोलती थी मैं चाहती हूँ इंदिरा तू कर तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि किसी के माँ से उसका बच्चा छीन ले रहे हैं और वो देश के लिए नहीं काम करने वाला है शायद वो कुछ और ही करने वाला है जो माँ चाहती भी नहीं है नहीं। तो मैं इतना रिलेट कर पा रही थी और मुझे लगता है मैं आ, मेरी माँ को देखा है हर चीज़ से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए और कभी वो पीछे हटी नहीं वो कभी डरी नहीं सो तो सो मुझे लगता है कि माँ का बहुत हाथ है जिस वजह से मैंने उनको इतने करीबी से इतना जाना है कि मैं एक माँ को पोर्ट्रे कर पाई और मैं हजारों माओं को पोर्ट्रे कर पाई हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी डबल ट्रिपल हुई है ना कि आने वाली जिंदगी में भविष्य में मेरे आसपास कभी किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो पहली शख्स रहूँगी जो हर तरह से उनके लिए खड़ी रहूँगी और उनके लिए बोलूँगी और अपने लिए भी बोलूँगी ये महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर में बहुत घना जंगल है जो जंगल छत्तीसगढ़ की जंगलों से मिलता जुलता है तो हमने ज़्यादातर शूट वहाँ पे किया और महाराष्ट्र की एक्सट्रीम ईस्ट में गौरचिरोली करके एक डिस्ट्रिक्ट है उस गौरचिरोली डिस्ट्रिक्ट में हमने शूट की तो दुख रह गया कि हम वस्तर में जाके शूट नहीं कर पाए आ, कभी कर लेंगे फिलहाल तो आ, यही था पिछले पचास साल में अगर पचास पचपन हज़ार लोगों की मौत होती है और कम से कम तीन ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी जैसे इकोनॉमिक uh, लॉस हमारी देश में होता है तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है इस देश की तो हमने हमारी फिल्म को कंसेंट्रेट किया था वहाँ पे लोग जो जो एवरीडे बेसिस पे जो वायलेंस के सामना कर रहा है एवरीडे बेसिस पे इस देश की जो इकोनॉमिक लॉसेस किया जा रहा है उसके ऊपर केंद्रित है ये कहानी इंसानों की कहानी बोलते गए और उस दौरान जो जो मुद्दे हमारे सामने आए हम सबको टच तो किए हमने ऐसा डेफिनेटली नहीं किए कि कोई चीज़ हमने अधूरा छोड़ दिया एक आम कन्वीनियंट सिनेमा की तरह हमने गहराई में गए एकदम बस्तर की आ, मिट्टी की खुशबू लेके आए हमने फिल्म में लेकिन हमने इस तरह की इशू जो पॉलिटिकल दायरे में आता है उसको ज़्यादा नहीं गए क्योंकि हमें आज भी लगता है बस्तान की इशू जो है वो पॉलिटिकल इशू ज़्यादा नहीं रह गया अमरनाथ भी आपने थोड़े देर पहले बताया ये पॉलिटिक्स था पॉलिटिकल इशू ज़्यादा नहीं रह गया ज़्यादा बंदूक की भाषा में बातें चल रहा है वहाँ पर हमने उनके उस बंदूक की और बंदूक की दिए हुए जो रियलिटी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा किए अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें